नमस्कार। तो लगातार तीसरे साल हम आपके सामने लेके आए हैं स्पेस पाइन फाउंडेशन का दिवाली मेला। तो हमारा एक तीसरा दिवाली मेला है, आपको दिखाते हैं इस बार हमने क्या क्या नई चीज़ें मेले में रखी हैं। तो आइए उन सब चीज़ों को देखें, चलिए अंदर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इस बार काफ़ी अच्छी साज सजावट कर रखी है, काफ़ी अच्छे कलर से डेकोरेशन काफ़ी अच्छी है, एंट्रेंस काफ़ी अच्छी है। आइए अंदर चलते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पर एक इन्होंने मुहिम चला रखी है पर्यावरण संरक्षण को लेकर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे लोगों ने, हम सब मेंबर्स ने मिलकर यहाँ पर अलग अलग तरीके के कार्य करे हैं। इससे आप चीज़ों को यूज़ करके यूजफुल बना सकते हैं वेस्ट चीज़ों को, तो ताकि पर्यावरण का भी हमें ध्यान रखना है। प्लास्टिक ये भी एक तरह से हमने गमला बना रखा है बोतलों से, प्लास्टिक की बोतलों से। बोतल से तो हमें ये दिखाना चाहते हैं कि हम कैसे प्लास्टिक को कम से कम यूज कर सकते हैं और प्लास्टिक को हमें रीयूज कैसे करना है। नमक गेम्स चल रहे हैं, तो यहाँ पर सांप सीढ़ी का गेम खेला जा रहा है। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे तरह तरह के काफी सारे गेम्स हैं। यहाँ पर देखने हैं, यहाँ पर जो मेंबर्स हैं उनका नाम पूछते पहले क्या नाम आपका। तो यहाँ पे क्या गेम है ये आप बताएंगे। ये हमें तीन चांसेस मिलेंगे, ये तीन कॉइन है, हमें बिल्कुल इनकी या जो बॉयल है बाउल है उसके अंदर डालना है। तो ठीक है, यहाँ पर हम गेम खेलते हैं, ट्राई करते हैं। ये हमारा सेकंड चांस, ये तीसरा है और आप हार चुके हो। अब ये करके दिखाएंगे, गेम खिलाने वाला बताएगा कि कैसे करते हैं। नहीं उनसे भी नहीं हो रहा, गेम से खुद से जाएगा तो ये दूसरों का क्या डलवाएंगे। अब ये दो दिन ट्रेनिंग करेंगे पहले, ऐसे ही करते हैं। चलो अगले पे चलते हैं। ये बताइए कौन सी गेम है। ये हमारी स्टैगर्ड गेम है, ये हमें क्या करना है, एक ही हाथ का यूज करके ये एक कोई भी हमें ब्लॉक निकालना है, ठीक है, और इस ब्लॉक को निकाल के ऐसे ऊपर रखना, कैसे भी रख सकते हैं। तो प्लेयर्स को एक आपके पास, तो ये गिरना नहीं चाहिए। हाँ ये गिरना नहीं चाहिए, जो गिर गया जिसके बारे में तो वो आउट है, तो ये कितना भी बड़ा ऊंचा बन सकता है हमारा। अच्छा तो इसको रीबिल्ड करना है, पर गिरना नहीं देना। तो काफी अच्छा और माइंड गेम है और ये काफी इंटरेस्टिंग गेम है। तो इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट गेम की तरफ बढ़ते हैं। गेम पर आए हैं, तो इनसे पूछते हैं आपका नाम क्या है। तो क्या गेम खिला रहे हैं आज आप। ओके तो चलो ट्राई करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं अलग अलग है, तो हम चूज करते हैं बॉलीवुड के। कूपन मिलेगा आपको जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस। लता मंगेशकर सैंग दिस आइकॉनिक सॉन्ग व्हिच ब्रॉट टीयर्स इन द आई ऑफ कौन जाएगा सैटरडे प्रेजेंट जवाहरलाल नेहरू। ग्रुप पे सब गाना मुझे याद भी नहीं, क्या किसी का गाना याद ही नहीं। तो फिर अब जाओ नेक्स्ट छोड़ो। ये पहले तो मैं इनका धन्यवाद, ये मेरे बड़े भैया सीए साहब, मैं इनके साथ काफी टाइम स्पेंड करता हूँ, काफी अच्छी हमारी बातचीत होती है। तो भैया जी क्या गेम खिला रहे हैं। भैया जी क्या गेम खिला रहे हैं। ये माथे मारो। अरे भैया जी दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर। ओके इट्स अ नेशनल इशू, सो प्लीज कैन यू टेल मी। तो ये कौन सा गेम है आपको। अच्छा तो मैक्सिमम स्कोर करेगा उसको क्या मिलेगा, प्राइज नहीं मिलेगा। नहीं नहीं उसको कुछ नहीं। दिखाओ एक बार करके दिखाओ, क्योंकि हमने सुना था जैसे सीए सब कंजूस होते हैं तो ये वाकई में ऐसा काम कर रहे हैं हमारे साथ, अपना टैक्स बचा लेते हैं और उनका टैक्स बढ़वाते हैं और सारा पैसा ब्लैक में चला जाता है, फिर भी ऐसे करते हैं। कितने पॉइंट हो गए इनके। तो एक हम भी ट्राई करेंगे। वाओ ये आना था वीडियो आपको कितना टाइम हो गया एनजीओ से जुड़े हुए। हो सकता है जब स्टार्टिंग से ही हम बिगिनिंग से मेरा मन जो लग रहा साहब जो है हमारे कैमरामैन जैसे कि आप सभी जानते हैं जब से इसकी शुरुआत हुई है जितने भी कार्यक्रम होते हैं तो वहाँ का वो यहाँ का मोल देख के लग ही रहा है
जो यहाँ का एटमोसफेयर है उस अकॉर्डिंग की बड़ों के मार्गदर्शन काफी अच्छा काम हो रहा है। तो सभी देखा है कि छोटो जो है बड़े रिस्पेक्टफुल है। तो कुछ यहाँ हमारे यहाँ पर मेंबर हैं जो ऑन कैमरा खाना खाते हुए पकड़े गए हैं अपनी ड्यूटी छोड़कर, ऐसे ही लोगों से मिला जाएगा। तो अंदर चलते हैं, अंदर काफ़ी कुछ है, काफ़ी गिफ्ट आइटम्स हैं और भी हमने कुछ यहाँ पर एक सेल्फी बूथ पॉइंट हो रहा है कि काफ़ी डेकोरेशन की जाती है वहाँ पे, आप अपनी फोटोज क्लिक करवा सकते हैं, एक फोटो बूथ होता है काफ़ी अच्छा, चलो वहाँ चलते देखते हैं। तो यहाँ का ऐसा सबका सेल्फी बूथ है जैसे काफ़ी ट्रेडिशनल लुक के साथ काफ़ी अच्छा कलर कॉन्ट्रास्ट है, तो काफ़ी ब्यूटीफुल पिक्चर्स आ सकते हैं। यहाँ आइए, मेला इंजॉय करें और अपनी फोटो क्लिक कराइए और उन्हें अपलोड करके स्पेट्स फाइल फाउंडेशन पर टैग करें जो कि हमारी इंस्टाग्राम आई डी है, जो आप चेज कर सकते हैं दिवाली के लिए गिफ्ट्स के लिए भी। मेरा टाइम यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्पेंड हुआ, स्टार्टिंग से ही मैं यहाँ पे मेंबर हूँ। सबसे पहले हमने लोहड़ी के फंक्शन से स्टार्ट किया था, हमने आसपास की झूठी झोंपड़ियों में मूंगियाँ और रेवड़ियाँ बांटी थी, तो वहाँ से हमने स्टार्ट किया था और फिर धीरे धीरे काफ़ी सारे मेंबर्स हमारे साथ जुड़ते गए और हम आगे। तो आज आपने किस चीज़ का स्टॉल लगाया? मैंने चॉकलेट्स का स्टॉल लगाया, चॉकलेट में जो वैरायटी है अलग अलग आइटम जो आप बता सकते हैं, अलग हो जो बाजार से अलग यहाँ पे फ्रूट एंड नट चॉकलेट्स हैं, असॉर्टेड चॉकलेट्स हैं, इस टाइप की पैकिंग और शेप्स आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। ठीक है, न्यूटेला ब्राउनीज हैं यहाँ पर, ड्राइड फ्रूट्स चॉकलेट्स हैं, मतलब सब असॉर्टेड चॉकलेट्स हैं इसमें, सारी सब अलग अलग वैरायटीज की चॉकलेट्स हैं और सारी हैंडमेड है। तो ये अगर मेले से अलग लेना चाहें कोई भी कस्टमर को कैसे मिलेगा उनको? मेरा इंस्टाग्राम पे पेज भी है चॉकोलव बाय जसलीन कौर, तो उस पर भी ऑर्डर कर सकते हैं, उस पर भी सारे ऑप्शंस अपलोडेड होते हैं, जो भी कस्टमर वहाँ से भी लेना चाहे वहाँ से भी ले सकते हैं। अगर आपको टेस्टी चॉकलेट्स लेनी है तो आप चॉकोलव बाय जसलीन फॉलो करें और अपने ऑर्डर परचेज करें। तो देख सकते हैं आप, काफी इन्होंने मेहनत करी है इसके ऊपर, काफी अच्छा लग रहा है। तो यहाँ आए, यहाँ से कुछ ना कुछ परचेज करके जाएं, काफ़ी गिफ्ट आइटम्स हैं, आप किसी भी यूज़ नहीं कर सकते हैं, घर में ऐसे हैंगिंग यूज उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स फोटोज फ्रेंड्स वगैरह हैं, तो आप बताएंगे इस बारे में कुछ? हमने इसे ब्रश पेन से लिखा है और ये सारे हैंडमेड है, ये पूरा हैंडमेड है, दो अलग अलग लोगों ने लिखा है। तो ये प्रॉपरली आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है और हैंडमेड है, देखने में लगता नहीं है कि हैंडमेड है, बट काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छी फिनिशिंग है इनकी और काफ़ी मेहनत की गई है इस पर। तो आपसे बस एक क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा तलाब नहीं आए पर मेरा जो है यहाँ के प्रोडक्ट्स हैं यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा तलाब है। और इसके बाद हमारा जो थर्ड स्टेज है वो है फूड काउंटर, तो हम पहुँचे हैं फूड काउंटर में। तो सबसे पहले हम मिलते हैं, इनका नाम क्या, आपका नाम क्या है, तो क्या बना रहे हैं आप? आज हम यहाँ पे बना रहे हैं मोहितो, ठीक है। इसमें होता है लाइक आपको जब ये एक तरह की ड्रिंक है तो ये इसका टेस्ट आता है लाइक स्वीट एंड टैंगी टेस्ट मिलेगा आपको ट्राई करके। तो अभी तक आपने कितने लोगों को ये मोहितो दिया? 5 लोग। तो मतलब ये काफ़ी टेस्टिस का कैसा टेस्ट और क्या क्या प्रोडक्ट आपके मोहितो बनाने के? इसके अंदर होते हैं मसाले, होते हैं लेमन जूस होता है, ठीक है, लेमन जूस के लाइक काफ़ी आपको फ्लेवर आते हैं और इसके अंदर शुगर होता है, इसका आपको स्वीट एंड टैंगी टेस्ट मिलता है सामने। तो ये भेलपुरी वैसे काफ़ी फेमस है, तो यहाँ पर भेलपुरी कैसे काफ़ी फेमस है, तो यहाँ पर उनसे पूछेंगे भेलपुरी के बारे में। तो कैसा चल रहा है आपका? 10 से 10 से। तो आप क्या कहना चाहेंगे? गोलू के लिए दुल्हन है आपको, आप भी अपना बिजनेस बढ़ाए, मेरे को उसकी कमाई जमी नहीं हो रही है, तो आप भी अपना बिजनेस बढ़ाए, मेहनत करें, आगे बढ़े। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये लोग मेंबर्स एंजॉय कर रहे हैं और साथ में काम भी कर रहे हैं, काफी मेहनत कर रहे हैं, तो हम हर चीज़ें
जो हमारे साथ हैं और जो कि टीचर द्रोणाचार्य के मेरे टीचर भी हैं, तो इनसे बात करें आपको आपका कैसा लगा? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, अभी तक हम बहुत सारे लोग गोलगप्पे खा के जा चुके हैं, मजीद भैया भी खाने गए हैं, जो वीडियो बना रहे हैं कैमरे के पीछे, इन्होंने टेस्ट नहीं किया, इनको खिला के दिखा पहले। तो आप बताएंगे अलग क्या है, पानी कैसा है और कैसे खिलाते हैं वो देखो एक बार। हम अपना दोस्त लेके आए जो ये कोई नहीं, आप एक बार ये दो दिन से भूखा है इसी चीज के लिए, ये डेमो सारी स्टॉल पे डेमो करता चलेगा, ये डेमो के लिए है, ये डेमो है, डेमो अगर अच्छा लगेगा तो बिजनेस बढ़ेगा। ये वही लोग हैं, सब कुछ देंगे, फ्री कुछ नहीं देंगे, तो कैसा रहा कितने लोगों को पापड़ी फ्री मिली? बहुत जिसने खाई ऐसा मिला था आपको कुछ, हमें नहीं मिला, देखो हमारे धोखा किए हैं, हमारे साथ धोखा किए हैं, तो जो ये मोमोज के स्टोर से आलू के स्टोर पे उतरते हैं, क्या कर रहे हैं? मल्टीटास्किंग सर। मेरी बात तो मोमोज से ये गोलगप्पे वाले आलू चाहिए। अच्छा, तो आप उनके लिए हेल्प कर रहे हैं, तो आपका बिजनेस कैसा रहा यहाँ का? बढ़िया सर, आप एक प्लेट मोमोज ले लो और बढ़िया हो जाएगा। ओ जरूर लेंगे, हम फूड ब्लॉगर हैं, हम आपके यहाँ प्रमोशन करेंगे, हमको फ्री मिलेगा? फ्री नहीं मिलेगा सर, पैसे बड़े ही डीट लोग हैं, पैसा लेके नहीं छोड़ेंगे। तो इसी हम नेक्स्ट टोल पे चलते हैं, हमारे साथ मुस्कान और से मिलते हैं, कैसा रहा आपका? क्या खिला रहे हैं आप यहाँ पर? यहाँ पर दही खिला रहे हैं, तो मतलब आपकी सेल कैसे रही आज की मेले में? आप क्या तो आपको कहना चाहेंगे मेले के बारे में? ये कनाडा वाले ना पता नहीं कब निकलेंगे कनाडा, वीजा लगाओ, हमारे प्रेम भैया इनके अंदर इतना प्रेम है, इतना प्रेम है कि प्रेम के चक्कर में ना शादी नहीं की। दो तरह की मैगी बना रहा हूँ, एक मसाला मैगी, एक फ्राई मैगी। तो कैसा चल रहा है आपका आज? तो मैगी की तरह थोड़ा सा उलझा हुआ है। कुछ न्यू मेंबर से मिलने जा रहे हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली एनजीओ को ज्वाइन किया है, उनसे पूछते हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ पर? एनजीओ में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा एक्चुअली, मुझे लग नहीं रहा था जितना मुझे मिला यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है, कॉन्फिडेंस आता है और वो अलग अलग लोगों से मिलता है, अपने से बड़े भी छोटे भी, तो बात करना सीखता है, बोलना सीखता है, सबसे रिस्पेक्ट करना भी सीखता है और हार्ड वर्क, टीम वर्क सब कुछ सीखता है, तो मेरे लिए बहुत अच्छा। आपने यहाँ पर कैसा यहाँ टाइम स्पेंड किया, आपका कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, तो उस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मैं पिछले दिवाली मेला में भी थी, मुझे पिछले दिवाली मेला में पहली बार मैंने सब्जी काटी थी, घर में भी नहीं आज तक काटी, तो बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट एक्सपीरियंस था कैसा रहा? फर्स्ट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, घर वाले कहते रोज। तो इससे आप समझ ही सकते हैं कि ये कैसी सब्जी, ये कैसी सब्जी काटती होगी, सब्जी कैसी काटती होगी, कैसी सब्जी बनाती होगी, लेकिन जिसने आप मेहनत की, मेहनत सभी ने करी है यहाँ पर, मेहनत सभी ने करी है, कम की और सबने अपना अपना दिया। तो इस साल का एक्सपीरियंस और लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस सबसे अच्छी तो डेकोरेशन लग रही है पिछले साल, भी बहुत अलग लगे हैं इस बार, और सैंडविच इस साल अच्छा बन रहा है, पिछले साल से सैंडविच की ओनर यही है, हमने आइडिया देश को। आपने कब ज्वाइन किया एनजीओ को? मैंने लास्ट दिवाली मेला अटेंड नहीं किया था, तो मुझे नहीं पता क्या था, बट मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये बहुत अच्छा होगा और वो है, फर्स्ट डे ही इतना मेरे को एक्सपीरियंस मिल गया, अभी तो दो दिन और बाकी है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो ठीक है, अच्छा मिला आप सभी से मिलते, एक बहुत कर्मठ और मेहनती हमारे जो मेंबर हैं उन्हें मैं बुलाना चाहूँगा, डिज़ाइनर मयंक बंसल। तो मयंक कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ। तो मतलब कि कैसा आपको यहाँ आकर मेले में आकर एनजीओ से ज्वाइन होकर, जो आपने ज्वाइन किया तब से लेकर अब तक का एक्सपीरियंस जो था, क्या रहा आपका?
मेरा ये दिवाली का ऐसा सबके साथ थर्ड मेला है, मैं तीनों ही बार रहा हूँ और हर बार कुछ अलग ही नया देखने को मिला है। जैसे सबसे इस बार ज़्यादा जो चीज़ अट्रैक्ट कर रही है वो है डेकोरेशन। डेकोरेशन इस बार बहुत अच्छी है, जिसे देखकर लोग भी अट्रैक्ट हो रहे हैं और वाकई कह रहे हैं कि भी बहुत अच्छी, सभी मेंबर्स ने मेहनत की है। तो ये तो होगी मेले की बात, आप अपनी एक जो आपकी जर्नी रही है एनजीओ के साथ वो उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? एनजीओ के साथ मेरी बहुत अच्छी जर्नी रही है, मोस्टली सभी इवेंट्स में एक्टिविटीज़ में मैंने आने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और आया भी हूँ। और अभी रिसेंटली हमने SSF की ब्रांच दिल्ली में भी स्टार्ट किया है, जहाँ मैं पूर्ण रूप से सबसे ज़्यादा एक्टिव हूँ। वहाँ पर हम 5-6 प्रोग्राम कर चुके हैं और इन फ्यूचर भी वहाँ के बच्चों की तरफ थोड़ा सा ध्यान देने की हमें ज़रूरत है, जिस पर हम सभी टीम वर्क काम कर रहे हैं। एक्चुअली मैं मेनली नॉइस ब्लड बैंक से काफ़ी जुड़ा हुआ हूँ और समय समय पर अलग अलग जगह पर ब्लड डोनेशन कैंप्स लगवा चुका हूँ। SSF में भी नॉइस ब्लड बैंक के साथ लगभग 3-4 कैंप हो चुके हैं और पूरे सोनीपत में। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को कहना चाह रहा हूँ, सोनीपत या दिल्ली में किसी को भी एमरजेंसी या वैसे भी अगर ब्लड की कभी भी ज़रूरत पड़ती है 24/7 वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, उनको ब्लड उपलब्ध करवा दिया जाएगा। 1818 मुश्किल है ये ना, ये यहाँ पर देखा बना यो मेरा सान खेलता इसमें भी हो गया। चलो एक और मौका दिया आपको, ये बात तालियां बजाओ भी, तुम तालियां नहीं बजाते भैया, उड़ा चाहिए बड़ा हाथ गई बहुत तरीका है, कड़ा तुक्का मारो आप तो भैया घनी दूर है लगी ना कितना लगी है कोना लगी कड़े है भैया लाइयो बड़ा ना दूर ही करियो भैया अपनी हम आए हैं सैंडविच की स्टॉल पे और बत्रा साहब लगे हुए हैं सैंडविच पे। तो हमारा सैंडविच कितने महीनों में तैयार होगा? आपका सैंडविच सिर्फ 5 मिनट में तैयार होगा, हम पिछले 2 दिन से खड़े हुए हैं दुकान पे और पिछले 2 दिन से हम लाइन में हैं। क्या कहना है? मेला तो आज दोपहर को 2 बजे खुला है और आप क्या कर रहे हो इतने दिनों से? चलो अभी हम देखेंगे टेस्ट, इसके 40 रूपए है हाफ में 5 मिनट और फुल है 70 रूपए का, अभी खा के बताएंगे कैसा है। वैसे सचिन बत्रा जी बहुत ही अच्छा बनाते थे, मैंने पता है उनका टेस्ट, तो अब इनका देखते हैं। आह मिलेगा ना? देखना नहीं खाना है। हाँ जी बिल्कुल, आप ही मिलेगा आपको। आप क्या बनाते हैं? पागल ये पागल बनाते हैं कितने रुपए लेते हैं? 40 का हाफ। 40 में आप पागल बनाते हैं, 40 में आप पागल बनाते हैं और फुल पागल 70 जो दो बार बनना चाहे उसके लिए 140। तो ये साथ वाले सारे पागल बना दिए? हाँ, सभी ने साथ रखे। सामने वाले। अच्छा ये क्या बना रहे हैं? वो उनसे पूछिए ना। पागल यहाँ फिक्स रेट है, यहाँ फुल का हाथ में डालते हैं। कॉफी भी बनाते हैं और ओरियो शेक। इसमें हम कॉफी और ओरियो शेक दोनों बनाते हैं। इसका रेट और आधा पागल और पूरा पागल का कोई है। और विद आइसक्रीम 10 रुपीज एक्स्ट्रा। आज कितने सेल की है? आज हमारी सैंडविच तो बहुत अच्छा गया, बहुत ही। आप सैंडविच पे हो या कैसे हो आप? मैं पागल बनाती हूँ ना, बीच में हूँ दोनों के। पार्टनरशिप में हो? हाँ। एग्रीमेंट क्या हुआ है? हाँ हाँ क्या चाहिए आपको? काउंटर पे सुनो, ये वेतन में है 2 दिन बाद काउंटर पे जाके लड़िए प्लीज। ये बात
हाफ मिलेगा या हाफ ले लेना? अरे हाफ मिलेगा, हाफ मिलेगा, हाफ मिल जाएगा, हाफ मैं लूंगा, हाफ दे देना इनको, हाफ दे देना ना, आप ये खुद खाएंगे? नहीं हम ना बनाएंगे ना खाएंगे, अब हमारा टाइम हो गया जाने का, अब तैयारियां कर चल रही है।